अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूँ नबायन डायमंड, डायरेक्टर अब एल फ्रॉम ऑडिफ्लेम पाकिस्तान जी। तो आज मैं आपके साथ, आपको पता चल ही गया होगा कि किस प्रोडक्ट की डिटेल आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और ये है हमारे न्यू ईयर 2023 की न्यू कैटलॉग, मतलब क्वार्टर वन की कैटलॉग की न्यू प्रोडक्ट मिल्क एंड हनी हैंड क्रीम। ठीक है, इसका कोड है इस वक्त 31606। इसकी जो प्राइस है वो है 749 रुपीज़। डिस्काउंट में इस वक्त ये 649 रुपीज़ में अवेलेबल है। इस कैटलॉग में 20% ऑफ पे है। ठीक है, और इसकी जो क्वांटिटी है मैं आपको दिखा देती हूँ, वो है 75 ml। ठीक है, ये मॉइस्चराइजिंग हैंड क्रीम है, आप देख सकते हैं ये इसका साइज़ है, ये इसकी पैकेजिंग है। ठीक है, और इसकी फैमिली का एक मेंबर तो बहुत ज़्यादा मशहूर है, आप सबको पता ही है, डेट इज़ शुगर स्क्रब। और हमारी न्यू कैटलॉग का न्यू स्टाइल है, आप देख सकते हैं, इट्स लाइक कि हम कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, कोई बुक टाइप। या जब मैंने इसको पकड़ा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई स्टोरी बुक पकड़ी है, तो उस तरह का जो है ना मुझे फीलिंग आ रही है। न्यू कैटलॉग का आप ये कह लें कि जो प्रिंट है वो ये है, इतना है। और अब जो है मेंबर्स पहले कहते थे कि भाई कैटलॉग में चीज़ें बड़ी होती हैं, हाथ में पकड़ो तो छोटी हैं, तो ये तो उनका गिला जो है वो ख़त्म हो गया। कैटलॉग में जितनी प्रोडक्ट का साइज़ है उससे डेफिनेटली बड़ा साइज़ है, लेकिन ये चीज़ मैटर नहीं करती। आई वॉज किडिंग, मैटर करती है क्वांटिटी जो कि यहाँ पे लिखी होती है, साथ लिखी होती है, और हर प्रोडक्ट के साथ उसकी क्वांटिटी जो है वो लिखी हुई है। चाहे वो शॉवर क्रीम है या चाहे वो मिल्क एंड हनी स्क्रब है, आपने क्वांटिटी देखनी है, आपने जो कैटलॉग में प्रिंटेड साइज़ है इसके ऊपर नहीं जाना। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिकली एक्सट्रैक्ट है, मिल्क है, हनी है इसके अंदर। ठीक है, और इसका जो कलर है वो आप देख सकते हैं, ऐसा वाइट कलर है। ठीक है, ऑफ वाइट कलर आप इसको कह दें, ऑफ वाइट कलर है। और ये चंद ही दिनों में, तकरीबन 10-12 दिनों में ही जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है, और बहुत ज़्यादा इसने अच्छे रिजल्ट्स भी दिए हैं। वो कैसे, ये देखें, अभी आपके सामने मैं आपको बताती हूँ। ये जस्ट मैंने मामूली सी लगाई है, आप इसकी ब्लेंडिंग देखें, एकदम हाथ में ऑब्जर्व होके बिल्कुल अच्छे से जो है ये क्या कहते हैं स्किन के साथ अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगी, ऑब्जॉर्ब हो जाएगी। जी आप देख सकते हैं, और इसने एकदम जो है स्किन को मॉइस्चराइज कर दिया है, स्किन को शाइन इसने प्रोवाइड किया है। ठीक है, और इसके अलावा इसने जो है आप देख सकते हैं सॉफ्ट कर दिए हैंड, जबकि ये दूसरा हैंड जो है वो साफ पता चल रहा, थोड़ा रूखा रूखा आपको जो है वो नज़र आ रहा है। मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कैमरे की ज़्यादा कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है वो क्लियर नज़र आ जाए। ये देखें, ये इसका बिफोर है, ये देखें कैसी खुरदरी सी स्किन है, और ये इसका आफ्टर है, कैसे नरम मुलायम, किस तरह मतलब ये कह लें कि सॉफ्टली जो है हैंड रब हो रहा है। और इसको लगाने के बाद हैंड बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करता, मतलब स्किन जो है हैंड की बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करती। ठीक है, एकदम स्किन के साथ ऑब्जॉर्ब हो गई है, और इसके अंदर से जो खुशबू है वो भी मिल्क एंड हनी की ही आ रही है। मतलब जो अगर आपने ये स्क्रब यूज़ किया हुआ है तो आपको जो है अंदाज़ा हो गया होगा, या अगर आपने मिल्क एंड हनी रेंज की प्रोडक्ट्स यूज़ की हुई हैं तो सेम वैसी ही इसकी फ्रेग्रेंस है। बहुत मामूली सी क्वांटिटी यूज़ होती है, जो अभी मैंने आपके सामने जितनी क्वांटिटी लगाई है डैट इज़ इनफ के एक हैंड पे लग जाए, बल्कि यहाँ पे भी मैं आपको दोबारा लगा के दिखा देती हूँ। अगर आपको फ़ील हो रहा है ये स्किन ड्राई ड्राई है, ठीक है, मैंने 2 दिन से हैंड क्रीम अप्लाई नहीं की क्योंकि मैं वीडियो बनाना चाहती थी और वीडियो में इसका वाजिया रिज़ल्ट जो है वो शो करना चाहती थी। तो आप देख सकते हैं, अभी शायद कैमरे में इतना विजिबल ना हो जितना देखने में लग रहा है, कि ये जो जहाँ पे क्रीम लगाई है, वो जो अप्लाई किया है, वो जो सरफेस है वो स्मूद है, शाइनी है और सॉफ्ट है। ठीक है, मॉइस्चराइज इसने बहुत अच्छे से किया है हैंड की स्किन को, बाकी जो है ये थोड़ी रफ आपको फील हो रही है। तो ये था मेरा एक छोटा सा डेमो, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद आप डिटेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टिकटॉक पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।